शहर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। बुलंदशहर में एक और मुठभेड़ कर गैंगस्टर बदमाश को धर दबोचा है। बता दें कि बुलंदशहर में एक बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की क्रॉस फायरिंग में बदमाश को गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा मुफेड नाम का यह बदमाश इस मुठभेड़ में घायल हुआ है। मुनफेड पर एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। बुलंदशहर की गुलावटी थाना पुलिस और बदमाशों के बीच यह मुठभेड़ हुई। सर्वेश कुमार, बुलंदशहर, समाचार 24। आज लगभग 9:15 बजे गुलावटी पुलिस द्वारा फकाना मंदिर तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी, तभी सिकंदराबाद की तरफ से दो बदमाश मोटरसाइकिल पर आते हुए नजर आए। अचानक पुलिस को देखकर ईसापुर की तरफ गांव की तरफ मुड़ गए और भागने लगे, और पुलिस ने भी उसका पीछा किया और पुलिस को देखकर वो फायरिंग करने लगे। और फायरिंग करते हुए जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया और उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और एक बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। बदमाश की पहचान की गई तो उसका नाम मुनफैद पुत्र इश्तियाक, जो कि ग्राम रसूलपुर गुलावटी थाना का रहने वाला था। ये गुलावटी का मजारा HSB है और ये थाना गुलावटी के क्राइम नंबर 337/2022 गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी चल रहा था। बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दिल्ली में